एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे कार एक्सीडेंट मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। पिता समेत तीन आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुणे की विशेष अदालत ने आदेश दिया कि तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, पिता समेत तीन आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुणे की विशेष अदालत ने आदेश दिया, तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि पोर्श कार से नाबालिग ने मारी थी बाइक को टक्कर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे कार एक्सीडेंट मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। पिता समेत तीन आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुणे की विशेष अदालत ने आदेश दिया कि तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, पिता समेत तीन आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुणे की विशेष अदालत ने आदेश दिया, तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि पोर्श कार से नाबालिग ने मारी थी बाइक को टक्कर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुणे कार एक्सीडेंट मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। पिता समेत तीन आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब पुणे की विशेष अदालत ने आदेश दिया कि तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। एक बार फिर से आपको खबर बता दें, पिता समेत तीन आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुणे की विशेष अदालत ने आदेश दिया, तीन आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। आपको बता दें कि पोर्श कार से नाबालिग ने मारी थी बाइक को टक्कर।